34 साल से एक दर्द इन सीनों में दफन है। क्या मारा यहाँ से लेकर ये फाड़ दिए, कुल्हाड़ी मारी, फिर उन्होंने जलाया और मेरे भाई के हाथ पैर है बिल्कुल ऐसे जैसे सुअर को भूनते हैं ना, ऐसे कर दिया था तीनों भाइयों को। 34 साल से वो दर्दनाक लम्हे इनकी आंखें नम कर रहे हैं। हमारा अंदर रोता है, अंदर जलता है, जब एक महीना आता है ना तो एक कलेजा फटता है हमारा। 34 साल से वो खौफनाक मंजर इनकी नजरों के सामने घूम रहे हैं। इन्हीं लाठियां मारी, इन्हीं मारे, उठ नहीं देता उन्होंने, हाथ जोड़ दे रहे, मैं भी हाथ जोड़ दे रही, पीछे बांह फट फट के बार कट देंगे। 34 साल से वो दहशत के पल इन्हें आज भी दहला रहे हैं। मेरे सरदार कह रहे कि मुझे इधर मत मारो, मेरे बच्चों के सामने मुझे मत मारो। 34 साल से वो अपने जख्मों के लिए मरहम तलाश रहे हैं। हम सब चाहते हैं जैसे सिखों के साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो। इन दंगों ने कई परिवार उजाड़ दिए, उस सन ने हमें इतने जख्म दिए अभी तक नहीं भरे। '84 ये सुनते ही कई ऐसे लोग हैं जिनकी रूह कांपती है। '84 वो साल जिसने हजारों लोगों को ऐसे जख्म दिए जो आज भी रिसते हैं, दर्द दे रहे हैं। दर्द भी ऐसा जो 34 साल बाद भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। ये साल 1984 के उन 3 दिनों की कहानी है जब दिल्ली शहर से दिल गायब हो गया था। ये 1 से 3 नवंबर 1984 की कहानी है। '31 अक्टूबर 1984 खबर आई देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड्स ने गोली चलाई है। सभी सदमे में थे, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगली सुबह इतनी काली और डरावनी होगी। 1 नवंबर 1984 की सुबह से जो मंजर शुरू हुआ वैसा शायद दिल्ली शहर ने कभी नहीं देखा था। फिर भीड़ आ गई तो मेरे आदमी का नाम पूछ रहे, वो जबरदस्ती अंदर ही घुस गए, कमरे च घुस गए, ते वाल तो खिंच के ते बाहर गली विच ले आए, ते मेरे आदमी नु डंडे डूंडे उन्होंने मारे, मंजा पा दिता, ओदे रजाई पा दित्ती, फिर सड़िया होया टायर पा के मेरे आदमी नु, ते अद्धा सड़ गया मेरा आदमी अद्धा। तो रुई लेके आए थे जब की यहाँ पे रख दिए सीने पे, उसको जला के पेट्रोल से 2-4 टायर रख दिए ऊपर गाड़ियों के, उसमें जला था यही चीज ऐसे पेट्रोल वगैरह जिंदे भी लेड़ के और आग लगा दी जिंदे को। 2 आवाज आई के बचाओ बचाओ, उसके बाद में आवाज ही नहीं सुनाई दी। जाके बाहर लेके गए सरदार जी को, फिर तो उसके घोड़े तोड़े लट्ठू से, फिर मिट्टी का तेल डाला, पेट्रोल डाला, सारा जला दिया। ये हमारे आंखों के सामने बेटे किन्नू लभन डे, मैंने कहा सरदार जी ने तो इतने साड़िया ना वेख्या, इन्हें को मोम जैसे लत पई सी उन्होंने, फिर मैं उन्होंने इकट्ठी करके उत्थे फिर उत्थे लगाती उन्होंने फुल पल चुके। हिंदुस्तान पाकिस्तान वासी ता ही नहीं जो जुलम लिया सी, जिंदिया नु साना जिंदिया नु मारना, अच के हिंदुस्तान वासी नहीं सी, हिंदुस्तान दे रहण वाले सी, सी भी तो पाकिस्तान साडे नाल तो बहुत जुलम हुआ। भारत ही नहीं पूरी दुनिया के इतिहास के सबसे नृशंस दंगों में से एक है दिल्ली का 1984 का दंगा। उन दंगों के 34 साल के बाद दिल्ली गुस्से और दर्द से तड़प रहा है। पीढ़ियां बदल गई हैं, लेकिन दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। हम उन गलियों में एक बार फिर गए। भाई फिर बात ते जिधर देखो उधर ही कि अगजनी हो रही है, कि मारपीट हो रही है, रोड जेड़े सड़क ते कल्ले मिल गए, टायर पा के साड़ दते, किसी ने तेल पा के साड़ दते, तो यहाँ सर में सर में सुआ मार दिया था, जिससे
वहीं पर वो खत्म हो गए। उनके भाई थे इनसे बड़े, उनका वहाँ मार के चक्कू वहाँ से लटका दिया था, पत्ती से यहाँ फेंक दिया था नीचे। बहुत कुछ होया है, मैं इन गल कर भी नहीं सकती है जो साढ़े नाल होया है उ घर में आए मारन वास्ते, तो उन्होंने एक एक करके सरदारों मारिया, तो घर बार भी लुटे गए। चिल्ला गांव तो विछड़िया मेरा घरवाला, तो उत्ते नाले ते मार दिता मेरे घरवाले ने। बाकी उन्होंने बहुत बुरी तरह से मारा, बहुत बुरी तरह से चौरासी हुई। ये पूर्वी दिल्ली का त्रिलोकपुरी इलाका है। इस इलाके में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे। तब यहाँ के ज्यादातर बाशिंदे सिख थे, लेकिन अब यहाँ शायद ही कोई सिख परिवार आपको नजर आता है। इस इलाके में जो कुछ हुआ उसको देखने वाले, उसे भुगतने वाले अब दिल्ली के तिलक विहार की रीसेटलमेंट कॉलोनी में रहते हैं। ये गोपी कौर है। 1984 में इन्होंने जो कुछ खोया उसकी टीस कम नहीं हो रही है। होकिए डंडे हैं और कुछ है उनके हाथ में, पेट्रोल है, मट्टी का तेल है, टायर हैं, गाड़ियों का टायर हैं, वो गलों में डाल डाल के ऊपर मट्टी का तेल डाल के आग लगाते हैं, घुटने तोड़े, फिर मट्टी का तेल पेट्रोल डाला, सारा चला जल जला दिया सारा। सर उसकी एक बाजू बची हुई थी जिसके नाम लिखा हुआ था उसके, जब बच्चों ने पेशा ना बेटे, जब हम वो दिन देखते हैं याद करते हैं ना, हमारा कलेजा फूल जाता है। गोपी कौर जहाँ रहती हैं वहाँ आप जिधर भी नजर घुमाएं बर्बरता की मिसाल मिल जाएगी। विद्या देवी कहती हैं 1984 की घटना के बाद उन्होंने रोना छोड़ दिया। हमारा घर वाला भी पड़ोस के घर में छिपा हुआ था, तो उधर से ही निकाल लाए, निकाल के उनको मारने लगे और मार के अधमरा करके रख दिया उनको, तो वो यूं पलट गए। तो फिर कुत्ता गया वहाँ पर, वो खून चाटने लगा। फिर हमने देखा, क्योंकि मेरी जो छाती है ना बहुत पक्की है, हमने देखा ये कुत्ते खा जाएंगे इनको, और पूरी लाइन में मारे हैं सबको। फिर हमने जो घर की चारपाई वगैरह जो थी वो उनके ऊपर डाल दी, अपनी चुन्नी थी वो भी डाल दी कि कुछ तो ना दिया ये तो दें। विद्या देवी के पति पड़ोसी के घर में छुपे थे। गली के दूसरे लोगों ने ही दंगाइयों को उस घर का पता बताया था। और जो पड़ोसी थे वही लोग आए, उनमें हम उनको तो पहचान सकते हैं ना, औरों को तो नहीं पहचाना हमने। उनमें से हमने 5-6 जनों को पहचाना, उनके हाथ पैर भी जोड़े, पर वो लोग नहीं माने। उन्हीं के साथ उन्हीं लोगों ने इशारा किया यहाँ छिप रहा है, बाहर उन्होंने मार दिए, किसको जलाया, किसको कैसे मारा, किसको कैसे मारा। इस गली में अपने दर्द को बयान करने वालों की कोई कमी नहीं है, सभी का दर्द उतना ही गहरा है, जख्म आज भी उतना ही ताजा है। तिलक विहार वो इलाका है जहां 1984 दंगों के पीड़ित परिवारों को फिर से बसाने की कोशिश की गई थी। पूरी कॉलोनी में इतनी महिलाएं विधवा थीं कि इस कॉलोनी को लोग विधवा कॉलोनी कहने लगे। नौकरियां, आज तक नौकरियां नहीं मिली, इनके बच्चों को देंगे, एक एक को नौकरी देंगे, आज तक नहीं दिए, अब बुढ़े हो गए। कई विधवाएं मर गई बेचारी, जो आज तक न्याय नहीं मिला किसी एक को तो देते। एक एक कमरा दे दिया था, क्या होता है एक कमरे में, मेहनत मजूरी करके लोगों के झूठे बर्तन मांज के, झूठियां सफाई कर करके के, बच्चों को पाला। वादे मिले, आश्वासन मिले, मुआवजा भी मिला, लेकिन जिंदगी पटरी पर आ ही नहीं पाई। सर से पिता का साया हटा, तो पहले घर बार छूटा, स्कूल छूटा, जिंदगी कभी संभल ही नहीं पाई। एक पूरी की पूरी पीढ़ी अनपढ़ रह गई और कुछ नशे की लत में खत्म हो गए। नौकरी नहीं, बच्चों की बेसहारे बच्चे, अनपढ़ बच्चे हमारे, कहाँ से पढ़ाते? एक माँ विडो बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगी बताओ? सारे बच्चे मेरे अनपढ़ रह गए, अभी भी कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं। बच्चे ऐसे रोजी रोटी कमाते हैं, किराए की गाड़ी मिल जाते हैं, कहीं मिल जाते, जब जाके टाइम पास करते हैं बच्चे। अब बच्चा बड़ा बेटा ऐसे ही माहौल देख के यहाँ पर वैसे ही खराब हो पड़े, नशे पत्तों में इनमें गिरे पड़े, क्या कमा के लाए, जो थोड़ी बहुत आती है पेंशन उसमें गुजारा कर रहे हैं।
त्रिलोकपुरी से लगभग 3 किलोमीटर दूर कल्याणपुरी इलाका है। दंगों की कहानी एक जैसी है। यहाँ है बलविंदर कौर। उन्होंने पूरी गली को उजड़ते देखा, उनको तड़प तड़प कर मरते हुए देखा। कई उन्होंने फड़ के मतलब खुद मतलब इन्ना बुरी तरह मारिया, बहुत ही ज़्यादा मार मार के उन्होंने नलका लगा थे बाहर इतने उन्होंने मतलब बिल्कुल लम्बिया पाता। जो आस पड़ोस वाले सके उन्होंने बेचारे उन्होंने भी इसरे किया, उन्होंने किसी कुछ करता किसी कुछ करता, जींदू मतलब कि उन्होंने तिल जाप पा के उन्होंने भी साड़ता नाल ही। तड़फते रहे बेचारे, कहते लो पानी पीना, कहते पानी तो पीने दो, कहते नहीं उदो उस टाइम नालियाँ बड़िया हुई सी, नालियाँ उत्ते मूँह पा के उत्ते तिल जाप पाता उन्होंने। कल्याणपुरी की इस गली का हर घर तबाही का गवाह है। हमारे वहां पहुंचने पर भीड़ इकट्ठी हो गई, हर किसी के पास एक कहानी थी। हमारे इधर में एक नहर पड़ती है कोंडली में, वहाँ पे सबसे पहले एक सरदार मजदूर जैसे करने के लिए जाते थे सुबह काम पे, तो सबसे पहले पहले वो गया कि जैसे साइकिल पे जा रहा था नहर से, उसको उठा के डाल दिया, उसको पत्थर मार मार के कर दिया। हमको पता चला ये बात, हम देखने गए तो जब तक थाने के सामने पहुँचा था वहाँ पे काफ़ी लोग, कम से कम भी 500 से भी ज़्यादा लोग थे, और एक बस थी वो भी हमारे सरदारों की थी जिसके अंदर आग लगा रखी थी, उसको भी अंदर ही जला दिया। फिर मैंने जब ये हो गया तो मैंने 5 रुपये दिहाड़ी पे खड्डी पे कपड़ा बनाया त्रिलोकपुरी में, फिर मैंने 250 रुपये महीने के नवेड़ा में धागे काटे, फिर उसने फिर नौकरी जैसे सरदारों ने गुरुद्वारे वालों ने हिम्मत करी तो नौकरी दिलवाई, फिर अपने बच्चे पाले। नहीं नहीं संभल पाई जी, ना पढ़ सकते ना कुछ सकते, कुछ बुरा हाल है जी, कमाई बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग आज पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या था कि उनको ऐसी सजा मिली। ये हैं मशहूर पंजाबी सिंगर दिलबाग सिंह। जब हम उनसे मिलने पहुंचे तब वो लाइव शो की तैयारी कर रहे थे। पगड़ी बन रही, पगड़ी सरदार का कॉन्फिडेंस होता है, जब सरदार की पग सही ना हो तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। लोग इनके गानों पर नाचते हैं, झूमते हैं। भले ही दिलबाग आज खुश है, लोगों के लिए नाच गा रहे हैं, लेकिन 84 के दंगों की टीस आज भी इनके दिल में चुभती है। जो मेरे ब्रदर थे वो तो मेरे सामने नहीं मारे, क्योंकि वो 16 साल के थे, उनको लगा कि उनको भी मार देंगे। तो जब भीड़ मॉब एंड तक हमारे घर में घुस आई, लूटपाट हुई, मेरे चाचा का सिर फाड़ दिया। उसको देख के मेरा भाई अपनी छत से टापा। 2 नवंबर मॉर्निंग में मेरी मम्मी जाकर, मम्मी ने बाहर जाकर ढूंढा, दंगों के दंश से बाहर नहीं निकल पाया, सब खत्म हो चुका है यहाँ से। तो वो नशा उनको वहाँ जो यहाँ उस टाइम के जो नेता लोग थे, लोकल नेता थे, स्पेशली कांग्रेसी जो थे, उन लोगों ने ये उनको प्रोवाइड कराया, सारा सारा नशा प्रोवाइड कराया। देश भर के अलग अलग इलाकों में 1984 में दंगे हुए, कई शहरों में सिखों की हत्याएं हुईं। खबरें आईं कि दिल्ली में सबसे ज्यादा सिखों को मारा गया, 2700 से ज्यादा सिखों की हत्याएं हुईं। कितने सिख मरे उस पर आज तक विवाद है, लेकिन एक ऐसा गांव है जहां कई सिख परिवार के लोगों को मार दिया गया, पर कई सालों तक ये बात उजागर नहीं हो पाई। आखिरकार साल 2011 में मनविंदर सिंह गियासपुरिया को इसके बारे में पता चला। गांव था हरियाणा के रेवाड़ी शहर के पास चिल्हड़ गांव। मैं गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर जीएम काम करता था। 2011 में मेरे पास एक ट्रक ड्राइवर आया जिसने के बताया कि उनके गांव के पास एक गांव है जिस गांव के सभी सरदारों को जिंदा जला दिया गया था। उनके घर घाट आज भी उसने बताया कि वैसे ही वैसे खड़े हैं। उसके बताने के मुताबिक वहां के सभी सरदारों को जिंदा जलाकर एक कुएं में डाल दिया गया था। जब हम वहां पहुंचे तो हम हैरान रह गए। वहां जिस जगह दंगे हुए थे, हत्याएं हुई थी, आगजनी हुई थी, वो सब आज भी खंडहर की तरह है। किसी ने इस इलाके की सुध ही नहीं ली। उन पीड़ित परिवार के लोग दूसरी जगहों पर रहने लगे हैं।
लेकिन 1984 की यादें उन्हें आज भी झकझोर रही हैं। बड़ा भयानक दृश्य देखा, बंदे मरते देखे, हमला हुआ अपने पे, सारे बंदे छोटे बड़े बुजुर्ग मारे गए, स्त्रियां मारी गई, जिससे 85 साल के बूढ़े से लेकर 2 साल तक बच्चे और बच्चियां, जवान जिनकी शादी थी उनको भी मार दिया गया। कहते हैं कि बस से भर के आई थी, उन्होंने घरों को जला दिया था, मिट्टी का तेल डाला। बारह मेंबर थे मेरे घर के, दादा दादी थे, मम्मी पापा, 2 भाई, 3 बुआ, 3 चाचा, 12 मेंबर घर के चले गए। 34 साल बाद भी 84 के पीड़ित उस दर्द को झेल रहे हैं। सरकार के दिए मुआवजे को वो खानापूर्ति मानते हैं, क्योंकि मुआवजा उनके परिवार और बच्चों की तबाह हुई जिंदगी को नहीं लौटा सकता। उन सब की एक ही मांग है, अब हिम्मत नहीं है, जहाँ तो हमें गवर्नमेंट इंसाफ दे, हमें इंसाफ चाहिए बेटा। बच्चे अधूरे गए, बच्चे नु कुछ भी रोजी रोजगार नहीं है गे। सानू बसे उसने क्यों जाड़िया, असि बावे चटनी ना रोटी खा लेते, क्यों जाड़ा जे वो जाड़े तो सानू इंसाफ भी दे। साडे लिए तो अज भी 84 भुलदी है नहीं, कोई नहीं भुलिए सानू, साडे लिए अज भी 84 आ रहा नवंबर सानू वही दिन उखड़ गए, वही दिन आ गए साडे वास्ते। भले दिल्ली हो या हरियाणा का छोटा सा गांव चिल्हड़ या देश का कोई और कोना, हर ओर से 1984 के उन 3 दिनों में हुई हत्याओं पर आज भी सवाल उठ रहे हैं। हर तरफ एक ही आवाज उठती है, न्याय की मांग की, क्योंकि कई लोग इसे दंगा नहीं, कत्लेआम, नरसंहार मानते हैं। एक सोची समझी साजिश थी सिखों को सबक सिखाने की। मुझे एकदम से खबर मिली कि सारा क्राउड प्रेस जो है जल रहा है, ये देखिए, ये सब ऑफिस और दुकानें जो हैं सरदार लोगों की। इतने में मेरे को खबर मिली कि नई दिल्ली स्टेशन के ऊपर एक ट्रेन आई है, उसके अंदर लाशें हैं और एक ट्रॉली के ऊपर 3-4 सरदारों की लाशें पड़ी हुई हैं। 3 दिन की हिंसा ने नई बनी राजीव गांधी सरकार को शुरू में ही कटघरे में खड़ा कर दिया। हिंसा थमने के बाद राजीव गांधी ने दिल्ली में भाषण दिया। इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए, लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है, देश खड़ा हुआ है। राजीव गांधी के इस बयान ने विवाद छेड़ दिया। क्या वो ये कहना चाहते थे कि हर बड़े नेता की हत्या के बाद कत्लेआम जायज है? कांग्रेस सरकार आज भी 1984 के दंगों पर सवालों के घेरे में है। हम लोग तो समझे भी नहीं थे, नेता लोग मरते हैं तो क्या ऐसे हो जाता है? सवाल बड़ा है। सरकार ये तो मानती है कि 1984 में कई हजार लोग दिन दहाड़े मारे गए, किसने मारे, क्यों मारे, इस सवाल का जवाब अब तक नहीं मिला है। जो हमारे साथ वादे किए गए वो दिए नहीं। कई सालों के बाद एक मोदी जी की सरकार में 5 लाख दिया गया, वाजपेयी जी की सरकार में 3.5 लाख रुपए। हमारी ये कीमत नहीं है लाशों की, हमें इंसाफ मिल जाए ना तो शायद बहुत बड़ी बात होगी। हमारे जहन में दुख है कहीं ना कहीं, और वो लोग नहीं खड़े हुए, आज बेचारे बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि SIT तो बनी है, मगर उस SIT पे आज 8-10 महीने हो गए हैं, उस SIT का 3रा मेंबर ही अपॉइंट नहीं हुआ है। पहली जो SIT बनी थी उसने केस बंद कर दिए। मतलब हम लोग इशू को जो है गवर्नमेंट पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इंसाफ मिल सके।
कई ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो 1984 के पीड़ितों को इंसाफ दिलवाने की कोशिश में लगी हैं। साल 2009 में कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जूता उछालकर सिख विरोधी हिंसा की ओर ध्यान खींचने वाले पत्रकार जरनैल सिंह ने तब इस मुद्दे को एक बार फिर जगाया, लेकिन वो भी अब तक इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। मैं उनको जूता मारना नहीं चाहता था, लेकिन मैं जूता फेंक कर एक प्रोटेस्ट करना चाहता था, एक सांकेतिक विरोध दर्ज करना चाहता था कि आप अन्याय कर रहे हैं। न केवल अन्याय कर रहे हैं बल्कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, और अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आप उसको दबाना चाहते हैं, तो हम दबने वाले नहीं हैं। मैं चाहता था कि ये इतिहास जाने कि 1984 में एक कत्लेआम हुआ, जो सरकारी कत्लेआम था, जो नस्ल कुशी थी, वो हुई, हजारों लोग मारे गए, न्याय नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं पर आरोप लगे कि ये कोई दंगे नहीं थे, सुनियोजित तौर पर की गई हिंसा थी। जिसका निशाना बने सिख समुदाय के लोगों के मुकदमे अभी अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं। कई आरोपी मंत्री बने, सांसद बने, वहीं दंगों से बर्बाद हुए परिवार तिनका तिनका जोड़ रहे हैं। दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में इन बेगुनाहों की याद में एक मेमोरियल बनाया गया है, जिसे सच की दीवार कहा जाता है। हर साल नवंबर की 1, 2 और 3 तारीख को गुरुद्वारों में पाठ रखा जाता है, इस उम्मीद में कि न्याय मिले, कातिलों को सजा मिले। कमाल की बात है कि आज भी जो सिख हैं वो अपनी अरदास में यही बोलते हैं कि सरबत दा भला, कि सबका भला, नानक नाम चढ़दी गला तेरे पाने सरबत दा भला। आज भी हम सरबत का भला, सबका भला मांग रहे हैं, पर आज भी हमारा भला करने वाला या हमारे बारे में सोचने वाली ना कोई सरकार बनी, ना कोई लोग आए, ना कोई उठ के सामने आया जो ऐसा कुछ कर सके। ये है ABP News, आपको रखे आगे।